राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे अब आ चुके हैं। नजफगढ़ में एक बार फिर से इतिहास बन गया है और इतिहास बनाया है कैलाश गहलोत ने। अभी तक किसी भी विधायक ने दोबारा विधानसभा जाने में सौभाग्य प्राप्त नहीं किया था नजफगढ़ विधानसभा से, जबकि 2015 में नजफगढ़ विधानसभा से विधायक रहे और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने 2020 में भी चुनावी जीत दर्ज की। हालांकि पूरे दिन नजफगढ़ में चुनावी गणना को लेकर के समीकरण ऊपर नीचे उठते रहे, लेकिन अंततः कैलाश गहलोत को 70,464 मत मिले, जबकि उनके निकटतम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के अजीत सिंह खड़खड़ी को 63,113 मत मिले और कुछ मतों के साथ कैलाश गहलोत ने चुनावी जीत दर्ज किया। चुनावी जीत दर्ज करने के बाद उनके समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिखा। समर्थकों ने खूब ढोल नगाड़ों की डांस पर अपने नेता का स्वागत किया। इस चुनावी मतगणना में कई अजीब गरीब समीकरण हुए और दिलचस्प नजारा उस वक्त बन गया जब कॉलेज की जाती हुई छात्राओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पे डांस करना शुरू कर दिया। अमूमन अपने समर्थकों को अपने नेताओं के जीत के जश्न में नाचते हुए देखा होगा, लेकिन द्वारका सेक्टर 9 के मतगणना स्थल पर एक बड़ा अजीब सा माहौल बन गया। नजदीक से जा रही कॉलेज की छात्राओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जमकर डांस किया। ऑन रिकॉर्ड तो उन्होंने कुछ बोलने से मना कर दिया, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड उन लोगों ने बताया कि उन्हें चुनाव में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हाँ नृत्य करने का अगर मौका मिलता है तो वो चुकते नहीं हैं। और यही कारण रहा कि उन लोगों ने जबरदस्त तरीके से अपने नृत्य का लुफ्त उठाया।